नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फार्मिंग की मौसम खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 14 जनवरी 2020 के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और अब बताते हैं आपको मकर संक्रांति के दिन कैसा रहेगा मौसम। तो सबसे पहले बात करते हैं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की। दोस्तों, एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो है जम्मू कश्मीर के पास पहुंच गया है। इसके प्रभाव से विकसित हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी राजस्थान पर है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 24 घंटे के दौरान दर्ज किया गया मौसम का हाल। तो पिछले 24 घंटे के दौरान जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों और उत्तरी पंजाब में गरज के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में भी हल्की बारिश देखी गई पिछले 24 घंटे के दौरान, जबकि दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। तो चलिए अब आपको बताते हैं 14 जनवरी 2020 के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश और हिमपात हो सकता है। इन राज्यों के दक्षिणी जिलों में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता अधिक होने की संभावना बताई गई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्जना और ओलावृष्टि के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली NCR, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। देश के बाकी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी हिमालय राज्यों और पंजाब व हरियाणा में दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। दिल्ली NCR में संभावित बारिश के चलते प्रदूषण में सुधार होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ये था 14 जनवरी 2020 के मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से रहेगा मौसम। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर, और यदि आप इसी प्रकार की मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।